स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जा रहे हैं मुसाफिर आका जोशी जो यूट्यूबर है उनके मीटअप में। तो हम अमरूदों के बाग के बाहर आ गए, तो वीडियो पूरी एंड तक देखने काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों भी यहाँ पे ड्रोन उड़ाएंगे हम। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन सारे व्हीकल्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कैसे कैसे व्हीकल्स आ रखे। दोस्तों ये सारे ऑफ रोडिंग व्हीकल्स है और वहाँ पे आप देख सकते हो, और आपके लिए एक सरप्राइज है जो कि मेन चीज़ है यहाँ की, सबसे अच्छी कार है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकती हो। तो ये है सबसे मेन कार यहाँ की, और यहाँ पे सारी थार है। और यहाँ पे कुछ बाइक्स भी है, आप देख सकते हैं कुछ मॉडिफाइड बाइक्स हैं यहाँ पे। मैं आपको अच्छे से बोला, हमने उसकी मम्मी को भी सुनाया है, बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, वो है नहीं ना, वो ही देखेंगे। तो दोस्तों ये है यहाँ की मेन कार, आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका एक पूरा लुक दे रहा हूँ। हेडलाइट्स भी नहीं है और आप देख सकते हैं कितने जंग खा रही है। लेकिन दोस्तों आप इसका टायर देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े टायर हैं, और काफ़ी शानदार गाड़ी लग रही है, एकदम मिनी हमर आप इसको बोल सकते हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी कार्स खड़ी हुई, यहाँ पे एक हायाबूसा भी आ रखी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और थोड़े टाइम में मैं आपको जो हमारे मुसाफिर भाई हैं उनकी भी दिखा दूंगा जिप्सी। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों यहाँ पे थार है और एक और थार है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पे थार का लाइनअप हो रखा है और वहाँ पे जिप्सी का हो रखा है। तो मैं आपको एक बार रेड वाली हायाबूसा दिखा देता हूँ जो यहाँ पे आ रखी है। तो दोस्तों यही है, तो थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ा सा अपना राजस्थान वाला जो ग्रुप है उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तब तक आप लोग चिल करो, उसका फोटो वोटो खींचते ठीक है। ओके गाइस, तो अब इट्स टाइम की जो यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ एक मैं आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि ऐसा बेंच हाई कैपेसिटी बेंच, इसके अलावा हमारे पास में इसमें ऑफ रोडिंग बम्पर्स लगे हुए हैं, उसके अलावा मैं आपको बता दूँ जो आप अपनी जर्सी में बोल रहा था, ये वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ मेरे को, मैं वैसे आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात करता हूँ,
आपकी कौन सी फेवरेट है, जीप, जिप्सी या फिर कुछ? मतलब पर्सनल फेवरेट इज अ पेट्रोल वन जो 1942 विलीज आती थी, विलीज एयरपोर्ट जो लेफ्ट साइड ड्राइव होती थी, लेफ्ट हैंड ड्राइव जिसमें 4x4 और ओरिजिनल पेट्रोल इंजन है, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। लेकिन उसके बाद में अगर मैं किसी चीज़ की बात करूँ, दैट वुड बी अ प्रॉपर कस्टम मेड थार। जी आपके पास कौन सी गाड़ी सर? मेरे पास में तो दूसरी एक ओपन सीट है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आइए मैं आपको एक और गाड़ी दिखाता हूँ जो कि एक एक और बहुत स्पेशल पीस है हमारे क्लब का। ये थार अपनी और इसमें बार लाइट ऑन है और ये हायबुसा सुजुकी जी। यहाँ ये मॉडिफाइड है कुछ बाइक्स, ये हम आपको दिखा देते हैं। तीन बाइक्स है ये और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने प्रोजेक्टर लग रहा है हेडलाइट में और आप देख सकते हैं कुछ ऐसे मॉडिफाइड हो रखी है। और पीछे से आप एक बार इनका लुक देखिए कितना खतरनाक है। इनके टायर्स आप देख सकते हैं कितने चौड़े चौड़े हैं और इसके टायर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है आप देख सकते हैं। और कुछ ऐसे दिखती है वाली और ये यहाँ पे थंडरबर्ड है उसको मॉडिफाई करवा रखे देख सकते हैं। अब डार्क नाइट भी मॉडिफाई हो रखी है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शानदार बाइक से ये। सो गाइज ये हमारे मुसाफिर भैया की जिप्सी और आप देख सकते हैं कुछ ऐसी है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान जीप क्लब लिख रखा है और ये है मुसाफिर भैया की कार और यहाँ पे बार लाइट भी लगी हुई है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे मीटअप पे आके हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है और यहाँ पे उनका एग्जॉस्ट और पीछे से कुछ ऐसी लगती है थार नहीं सॉरी जिप्सी। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार है, सबसे अलग हटके जिप्सी है ये। और हमारे जो मुसाफिर भैया वो भी सबसे अलग हटके ही है और उनकी कार्स भी उनकी जैसी अलग हटके। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है। मैं एक बार बाहर विंडो से आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी लग रही है ये। और पीछे से आप देख सकते हैं और पीछे जो लाइट्स लगा रखी थी वो ये है आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टिकर लग रहे हैं और पीछे मिरर पे लिख रखा है मुसाफिर। तो काफ़ी अच्छी कार्स लग रखी है आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से यहाँ पे लिख रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है और ये रहा स्नोरकल और ये रही बार लाइट और वो हेडलाइट्स भी आप देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मस्त कार है ये। दोस्तों यहाँ पे आप ये जिप्सी देख रखे हैं, इसको अलग ही कुछ बनवा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम डिफरेंट लुक है जिप्सी से, एकदम देख सकते हैं और फ्रंट लुक देख सकते हैं आप इसका और एकदम अलग है जिप्सी से, एकदम अलग लग रही है। और आप देख सकते हैं अंदर से कुछ ऐसी है, सॉफ्ट टॉप है ये, हार्ड टॉप नहीं है। इस गाड़ी की सबसे अच्छी खासियत ये एक गाड़ी फीमेल की है और बहुत अच्छी ऑफ रोडर है हमारे क्लब की रेनू जी। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड। सो मैम एक चीज़ बताओ मेरे को, वैसे यूजुअली क्या है टॉयज का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है लेकिन टॉयज के बाद बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में। सो व्हाट वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग दिस कार, व्हाई यू मेड इट एंड कैसा एक्सपीरियंस है, हाउ पीपल सी यू राइट नाउ? एक्चुअली दिस इज न्यू था, ओके, एंड वी मॉडिफाइड फ्रॉम ओल्ड एंड कस्टम्स। ओके, इसके टायर्स देखिए आप, इंपोर्टेड टायर, इसका सस्पेंशन काफी बढ़िया है और इसकी हाइट देखिए आप, आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी कितनी ऊंची है, इसकी कितना लिफ्टेड है ये, इट इज अ 6 इंच लिफ्ट है। प्लीज मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आप ऊपर कैसे चढ़ोगे?
तो इसमें अभी अपना कुछ एग्जॉस्ट सिस्टम या कुछ ऐसा सिस्टम है जो आपने इसमें करवाया हो? विक्रम बनाया या नहीं है, मैं मुझे बताओ अच्छा, आप बताओ हाँ क्या है, मतलब कैसा इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन है? स्पेशली अभी स्पेशली विद एग्जॉस्ट हां स्पेशली विद एग्जॉस्ट सर पहली चीज तो ये पिस्टन अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अभी तो सिर्फ इसको टेस्टिंग फेज में आई है अभी ये बॉडी लाइन पूरी तरह से कंप्लीट है जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं इट इज लिफ्टेड एंड इट इज बीइंग मेड बाय ओल्ड आयरन कस्टम्स राइट नाउ तो वो कस्टमाइज कर रहे हैं इसको और एक चीज और एक थोड़ा लीगैलिटी के बारे में पूछता हूं मैं थोड़ा रोक देता हूं इज इट लीगल टू ड्राइव इट ऑन नो कमेंट्स सेम एज मुसाफिर ये चीज का भाई परफेक्शन जो आपने देखिए आप खुद बता रहे थे बताओ और अगर सुप्रीम कोर्ट वाले देख रहे हैं ये बिल्कुल लीगल इन इंडिया ईच टायर नाइस ओनली द टायर कॉस्ट यू अराउंड 50,000 इन इंडिया और 2 लाख के टायर है एक स्टेपनी का टायर अभी बस शॉप पे पड़ा है ढाई लाख जी आइए आपको बहुत परफेक्ट है पीछे से अभी इसमें रॉ है मोस्ट प्रॉब्ली जब ये पूरी गाड़ी रेडी हो जाएगी सो आई विल बी कमिंग क्योंकि मेरे को बहुत सारी गाड़ियां हैं जो फुल कवरेज में डालनी है उसके बाद आपको अच्छे तरीके से दिखा पाऊंगा सो क्वेश्चन चला है शार्प जो आप कट करते हैं अपने शार्प कट में आप करके दिखाओगे कोई है क्या हमारे पास जो चला के दिखाएंगे इसको विक्रम बना भानु बना किधर है भानु बना आइए आप बैठिए मैं आप चलाओ ना है? मैं बात शूट कौन करेगा चलो वीडियो से चाबी मंगाओ अर्जुन बना कोई बात नहीं चलो ये जब तक इसकी चाबी आ रही है चाबी बाद में आपसे दिखाते हैं एक्सक्यूज मी तो अब मेरी फेवरेट चीज है सर ये मैं आपको बताना चाहूंगा जो विंटेज का हम सेक्शन चालू कर रहे हैं दिस इज माय फेवरेट व्हीकल और इट इज ओन बाय माय फ्रेंड मिस्टर युवराज सिंह चौहान और मिस्टर युवराज ने अभी ये एक्चुअली मैं इनकी फैमिली हेडरूम का बहुत पुराना हिस्सा है और पुश्तैनी गाड़ी है लेकिन हुआ क्या कि अभी थोड़ा सा बीटअप कंडीशन हो जाती है जब आप 70 ईयर ओल्ड या 60 ईयर ओल्ड किसी व्हीकल यार गजब की गाड़ी इसकी साउंड भी काफी तगड़ी है और ये रही हमारी नेक्स्ट सॉन्ग तो ये है सबसे मेन कार यहाँ की दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मुसाफिर भैया अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर देना प्यारा सा ताकि मेरे को अच्छा लगेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में